नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डील विद वर्ड्स एंड एक्शंस जब हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं कुछ वो हैं जो बड़ी तेजी से समझते हैं और कुछ वो हैं जो आस्ता आस्ता बात को समझ सकते हैं खसूस तवज्जो से समझ सकते हैं तो हमें कैसे डील करना है चिल्ड्रेन स्पीक एंड यूज डिफरेंट वरियंस ऑफ लैंग्वेज इनक्लूडिंग एक्सेंट आपके पास बच्चे आएंगे ना उनके घरों में जो उनकी मदर टंग है वो बिल्कुल मुख्तलफ होगी हमारे अपने पाकिस्तान में ही कुछ उर्दू बोलते हैं घरों में कुछ अपने इलाके की पंजाबी पश्तून बलोची बरोही कुछ भी ज़बान बोल सकते हैं सिद्धि बोल सकते हैं और कुछ कुछ इंग्लिश भी हमारे ज, ऐसे लोग हैं जो जिनके बच्चे बोलते हैं तो अब उनके मुख्तलिफ़ एक्सेंट्स भी होंगे तो हम क्या करेंगे इक्वालिटी के लिए उनमें से किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे ताकि किसी को ये ना लगे कि जो उसकी अपनी जबान है वो काबिल नफरत है या लोग उसको मज़ाक का निशाना बनाते हैं सो चिल्ड्रेन शूज यूज़ मोर दैन वन लैंगवेज मीन अदर दैन मदर टंग अब ये नॉर्मल है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो वहाँ पे एक तो अपनी उसकी मदर टंग होती है और कोई ना कोई उसको दूसरी ज़बान भी सीखनी पड़ जाती है जैसे हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है और इंटरनेशनल जो है वो इंग्लिश है तो इंग्लिश उर्दू के साथ साथ वो अपनी मदर टंग को भी कभी ना कभी प्रैक्टिस करता है तो तीन जमाने तो उसको सीखनी पड़ गई सम चिल्ड्रन आर रिडिकुलेटेड ड्यू टू बैड एक्सेंट अब आप क्लासरूम uh, का कल्चर देखते ही हैं कुछ बच्चे जब बात कर रहे होते हैं चूंकि फर्ज करें उन्होंने अभी उर्दू ठीक से नहीं सीखी या इंग्लिश ठीक से नहीं सीखी उनका एक्सेंट ठीक नहीं है अभी या उनकी वोकेबलरी कभी कमज़ोर है कोई और प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं तो इसको एवॉड करना है बच्चों को पहले से ये अवेयरनेस देनी है कि हर कोई किसी भी ज़बान में बात करे तो वो मजाक नहीं उड़ाना क्योंकि वो उसके अपने घर की ज़बान है या उसके मुल्क की जबान है तो और उसका एक अपना लहजा होगा उस लहजे को भी हमने लोगों के सामने रिस्पेक्टफुली पेश करना है दिन चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज फ्राम देयर होम्स सो ओल्डर चिल्ड्रेन लर्न एक्सेंट बट यंगर लर्न लैंग्वेज ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पर समझी होगी कि जो बड़े बच्चे हैं वो सीख जाते हैं कि बोलना कैसे है मतलब एग्जैक्ट प्रोनाशिएशन क्या होगा लफ्स क्या है जुमले में कहाँ इस्तेमाल करना है लेकिन जो तो छोटे बच्चे हैं वो तो बेचारे अभी जबान सीख रहे हैं इसलिए हो सकता है वो उलट लफ्ज़ बोल दें या वो सही एक्सेंट से ना बोलें अभी वो सीख रहे हैं ना प्रोसेस में है तो समटाइम्स वो हरूफ को आगे पीछे कर देते हैं तो हम अभी उनका मजाक नहीं उड़ा रहे अगर हम इतनी इब्तदाई उम्र में उनका मजाक उड़ाएंगे उनको पकड़ेंगे उनकी गलतियों को ओवर एम्फसाइज करेंगे तो वो बोलना छोड़ दें मैंने खुद एक वाक्य देखा कि एक बच्ची थी जो ढाई साल की उम्र में बड़े अच्छे सेंटेंसेस बोलती थी तो वो कहीं मेहमान गई तो लोगों ने उससे बार बार कहा कि आप इस तरह से क्यों कह रही हैं इस तरह से क्यों कह रही हैं ये क्या लफ्स है महज एक खेल के लिए लेकिन जब वो वापस आई तो वो स्टटरिंग करने लगी और उसके मुंह से कोई लफ्स निकल ही नहीं रहा था तो उसको फिर दो ढाई महीने लगे ठीक होने में यानी एक बिल्कुल नॉर्मल स्पीच को आप क्रिटिसिज्म के जरिए खत्म कर सकते हैं और इसी तरह चंद गलत अल्फाज को शुरू शुरू में आप अप्रिशिएट करेंगे कि भाई आप सही कह रहे हैं ये बात समझ ली है हमने आगे चलेंगे तो फिर आसा आस्ता वो खुद जाके एक्सेंट ठीक कर लेंगे लेकिन अभी आप उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे वरना वो सीखना बंद कर देंगे ख्वा ये बच्चे हमारे स्पाशल हैं ख्वा यह हमारे नॉर्मल हैं सो चिल्ड्रन लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज अब देखिए हमारा ये प्रॉब्लम है ना कि हमें तीन से या चार जबान सीखनी पड़ती हैं हमें अरेबिक भी सीखनी पड़ती है कभी तो उर्दू भी इंग्लिश भी और अपनी इलाकई जबान भी सो चिल्ड्रन फ्राम देर चाइल्ड हुड लर्न टू लैंग्वेज एट अ टाइम तो दो तो वो शुरू से ही सीख रहे होते हैं एक हमारी नेशनल लैंग्वेज और एक उनकी अपनी सो वाई लर्निंग अ लैंग्वेज देर आर फी पॉइंट्स दैट वी हैव टू फॉलो वट दे आर चिल्ड्रन नीड टू फील इनक्रेज जैसे मैंने अभी अर्ज किया जो कुछ वो कह रहे हों जिस तरह भी कह रहे हों उनकी इनकेजमेंट करनी वाह बहुत अच्छे आगे बोलें आपने बहुत अच्छा कहा है बेशक अभी लफ्ज़ गलत होंगे उनका मुकाम गलत होगा लेकिन हम उनको अप्रीशिएट करेंगे ताकि एक दफ़ा वो बोलना तो शुरू करें उनका एतमाद तो बहाल हो फिर वो इन और भी अच्छे अल्फाज बोलना शुरू कर देंगे देन चिल्ड्रेन शुड लर्न द लैंग्वेज डायरेक्टली देखिए हमारे बहुत से जो रिसर्चर्स हैं और ऑथर्स हैं जो लैंग्वेज पे काम करते हैं वो ये कहते हैं कि डायरेक्टली सुनने से बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं वो एक एक हरफ़ जांच कर वर्ड्स के ज़रिए सेंटेंसेस के जरिए नहीं सीख सकते सो so, आप भी जहन में रखिए कि जो डायरेक्ट लैंग्वेज आप खुद देखें बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको ये तो नहीं बता रहे होते बेटा ये अलिफ है या ये ए है हम सब उसके साथ बात कर रहे होते हैं ख्वाब व जवाब भी नहीं दे रहा वो आगे से ऊँ वाँ कर रहा है लेकिन हम उसके साथ बोल रहे हैं और होता क्या है कि वो सवा साल की उम्र में डेढ़ साल की उम्र में आपको इमिटेट करना शुरू कर देता है वो बोल रहा है लैंग्वेज और बड़े टाइमली बोल रहा है क्या है क्यों है ये क्या है मुझे जाना है मुझे ये करना है वो सारी लैंग्वेज उसने सीखनी है सो so, हम क्या कहेंगे लैंग्वेज पहले सीखी जाती है और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पार्ट्स हैं लेटर्स हैं जो वर्ड्स हैं वो बाद में सीखे जाते हैं तो आप ज़्यादा जितनी लैंग्वेजेस जिसको भी आप सिखाना चाहेंगे उसको डायरेक्टली सिखाएं then बी अवेयर नॉट ऑल लैंग्वेज आर रिटर्न from द लेफ्ट साइड बच्चों को ये भी बताना है कि बेटा इनके लिखने के अंदाज भी अलग हैं अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख रहे हैं कुछ दाएँ से लिखी जाएंगी कुछ बाएँ से लिखी जाएंगी कुछ वर्ड्स में हैं और कुछ जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं चाइनीज है जापनीज है, है तो उनकी और शक्लें होती हैं बिल्कुल सो इनक्रेज द बाई लैंगवेज चाइल्ड जो बच्चे हमारे एक से ज़्यादा जबानें बोल रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाएगी अगर वो कोड स्विच करते हैं मसला वो पंजाबी से उर्दू या उर्दू से पंजाबी में या इंग्लिश में आ रहे हैं तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बल्कि उसको इंक्रेज किया जाएगा कि हाँ कोई भी लफ्स आप बोल रहे हैं अल्टीमेटली कोई ज़बान तो वो इस्तेमाल कर रहा है ना ख्वा वो उर्दू है ख्वा अंग्रेज़ी है होता यूँ है कि जब हमारे बच्चे इस स्टेज पर होते हैं तो उनके पियर्स भी उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं उनके एजुकेटर्स भी हती के वालदान भी कि ये आपने आधा जुमला क्यों पंजाबी में आधा उर्दू में आधा पश्तों में क्यों कह दिया तो बात यह है कि हौसला अफजाई के जरिए लैंग्वेज डिवेलप की जाती है ये देखिए ना ये हमारा ब्रेन जो है उसके सेल्स जनरेट हो रहे हैं उनमें कॉन्सेप्ट बन रहे हैं अगर हम कहीं पर भी हिंड्रेंस देंगे कोई रुकावट खड़ी कर देंगे तो बच्चे लैंग्वेज डिवेलप नहीं कर सकते उनको वक्त देना है उनको अप्रिसिएट करना है और अगर कुछ भी चेंजेस अभी वो कोड स्विचिंग की कर रहे हैं या वो वर्ड्स के एक्सेंट ठीक से नहीं कर रहे तो उनको रोकेंगे नहीं